आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार को प्रिय बात कह सकता हूँ कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। सीएम साहब, कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, बीजेपी ने सभी उतार दिए हैं लोकसभा में, क्या नहीं? देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं, अंदर खाते कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी और जो विकास की गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। सीएम साहब, मेरा सवाल है कि सिक्योरिटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया है, जबकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, पूर्व सीएम की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अनिल विज जी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इसको लेकर क्या है? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ, जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है सरकार उतनी सिक्योरिटी उसको उपलब्ध करा रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी या खतरा है तो उसके ऊपर सरकार विचार कर सर केजरीवाल जेल में है और लगातार आपके जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम हाउस को भी घेरने की कोशिश की आज उन्होंने। देखिए, हमारे एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सेम कहावत ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और उन्होंने जिस प्रकार का मंच से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैग पिछले दरवाजे से नीतियां बढ़ा करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी, मैंने ये बात कही थी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि अगर जो पैसा आया है वो तो बताना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से आया है, अगर नहीं बता सकते फिर तो कार्रवाई करेगी, परंतु इस प्रकार की जो ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी और आगे भी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई करती थी, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अलग और स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम करती है उसके अंदर, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की बात थी आप देख भी गए हैं कि इन्होंने जो गाली भी देते थे और गले भी लगा रहे हैं, ये नीति हमें यहाँ दिखाई दी। अगर आप लोग देखेंगे कि इनको लगातार गाली देने का काम भी केजरीवाल ने किया है और फिर गले लगाने का काम भी सबसे पहले आके आकर के ये केजरीवाल इस गवंडिया गठबंधन के साथ आया है। एक ही इनकी नीति है, एक ही इनका विचार है, ये देश की भलाई के लिए नहीं, ये देश को कमजोर करने के लिए काम। सर मेरा एक प्रश्न है, सर मेरा एक प्रश्न है, आप बोलिए, आप बोलिए। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल हमारे यहाँ से सांझे प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी होगी, ये बाहर के नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी के सांझे उम्मीदवार रहे हैं, ये हमारे परिवार के हैं, ये बाहर से नहीं है, पार्टी से तो तोड़ने का काम। सर सर मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है सर, क्या नवीन जिंदल की जिस प्रकार से इनकी ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है या नवीन जिंदल को मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी में आकर? नहीं, देखिए, पार्टी मजबूत पूरे प्रदेश के अंदर होगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। सीएम साहब क्या कहेंगे आपकी बार 400 पार का नारा है, देखिए इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या का समाधान किया, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं की, यही लोग बोलते थे कि
कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, आज पूरा देश भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।